यू क्या होता है, वी क्या होता है और एफ क्या होता है। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी होता है इमेज डिस्टेंस। मैं क्लियर करूंगा सब कुछ। फोकल एंड एफ इज फोकल लेंथ। और भी फॉर्मूला आता है, एक होता है मैग्निफिकेशन, एक होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से नॉर्मली हम लोग साइज पता करते हैं, ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज पता करते हैं। तो मैग्निफिकेशन तो हम लिखते हैं और इसका मतलब होता है एच डैश बाई एच। तो एम इज हियर मैग्निफिकेशन, एच डैश को हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, सॉरी एच डैश पर एच। हाँ एच डैश क्या होता है, हाइट या फिर साइज बोलते हो ना, साइज ऑफ इमेज। और एच हो गया था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है और वो ये होता है R इक्वल टू टू एफ। ठीक है, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ इज द फोकल, पॉज करें मतलब समझ लेना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैं आईना से कितना दूर खड़ा हूँ, इमेज डिस्टेंस मेरा जो इमेज है वो आईना के अंदर कितना दूर है। प्लेन मिरर में सेम होता है पर दूसरा में कम बेसी हो सकता है। ओके इनको छोड़ दो, अब इसकी बात करते हैं। एच डैश क्या लिखा है, एच क्या है, डेफिनेटली ना मेरा क्या साइज है वो बता पूछ रहा है। अब आईना के अंदर मेरा क्या साइज होगा सेम, लेकिन दूसरा मिरर में दूसरा दूसरा होता है। ई मींस व्हाट, वी का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव यानी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस That is V. V positive means virtual image. Virtual image and erect image. Okay, V positive means virtual and erect image. Now. इरेक्ट मतलब सीधा, जैसे मैं सीधा खड़ा हूँ सीधे, ठीक है। इन्वर्टेड लिखो माने मैं उल्टा, ठीक है। हम रे डायग्राम में देखेंगे कैसे उल्टा कैसे सीधा होता है, जब हम लोग रे डायग्राम सीखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे। दोनों गए वहाँ पे बी, और वर्चुअल मतलब भी सीधे, वर्चुअल मीन्स बिहाइंड द मिरर, सिंपल। ओके, और व्हाट डज बी नेगेटिव मीन, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, आंख में जो इमेज बनता है वो उल्टा होता है, रेटिना पे जो इमेज बनता है ना वो उल्टा होता है। तो ध्यान में सीधा कैसे, जो हम लोग मूवी देखते हैं वो भी उल्टा होता है, वो प्रोजेक्टर से उसको उल्टा सीधा हो जाता है, पर्दा पे गिरते सीधा होता है, ऊपर से जो आता है ना प्रोजेक्टर से लाइट वो उल्टा होता है। ठीक है, सो सेम आवर ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, है ना, और उसके अंदर जो रेटिना है वो स्क्रीन का काम करता है। इट डजंट मैटर नो हाउ कैन यू नो कि व्हेन वी शुड टेक पॉजिटिव एंड व्हेन वी शुड टेक नेगेटिव, लेट मी क्लियर यू। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर वी नो कि वी नीड टू टेक पॉजिटिव ओनली, यस। व्हाट डज इट मीन, कॉनकेव मिरर सॉरी कन्वेक्स मिरर ऑलवेज ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये वाला मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, इसी कारण वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा भी और एफ भी। अरे क्वेश्चन में बोल देगा ना कि इमेज कैसा बना, अगर बोलते हैं इमेज रियल है इसके लिए तो बोलेगा नहीं, कन्वेक्स मिरर में नहीं बोलेगा रियल और वर्चुअल। आपको जान के रखना होगा कि कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल, बट कॉन्केव में कैसे पता करें प्लस माइनस दोनों है,
अगर बोलता है रियल तो मैं माइनस दूंगा, और अगर बोलता है रियल और इन्वर्टेड सेम ही चीज है, अगर बोलता है रियल तो माइनस दूंगा, अगर बोले वर्चुअल तो मैं प्लस। समझ में आया मेरा बात? समझ गए? तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। और एक बात बता देता हूँ, ज्यादातर केस में वी देता नहीं, वी निकालने वो। अब अगर बोल रहे कन्वेक्स मिरर का मैप करना है तो हम लोग सॉल्व करेंगे वी निकालेंगे, वी माइनस आया मतलब मैथ गलत। क्यों? क्योंकि वी तो कन्वेक्स मिरर में प्लस ही आएगा ना हमेशा, है ना, और प्लस आने का मतलब है वर्चुअल। और इस केस में क्या होगा, प्लस आए तो वर्चुअल, माइनस आए तो रियल। ओके, तुम्हें सिर्फ ये याद रखो इसका ऑपोजिट है। और ये तुम्हें जानना होगा ना पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है इन केस ऑफ कन्वेक्स। कन्वेक्स में तो वर्चुअल है, कन्वेक्स में फुल स्टॉप। ओके, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला है ना, ऑब्जेक्ट कितना है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अच्छा हमें लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। यू होता है 10 सेंटीमीटर, माइनस होगा ना, हाँ यू तो ऑलवेज माइनस। और क्या दिया है, द इमेज इज फॉर्म एट 5 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर। इमेज कहाँ बना है, मिरर के पीछे। इमेज डिस्टेंस ना, साइज का तो बात किया नहीं है, ध्यान से प्लस की माइनस। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स में तो हमेशा प्लस। कितना 5, कितना प्लस, प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। क्लियर? क्या निकालना है, सिर्फ फोकल लेंथ निकालना। तो कैन आई रफ द क्वेश्चन सुनाओ ना, नथिंग इज बीन लेफ्ट इन द पेपर। ये सबसे इजी सम है, ऐसा सम्स नहीं आएगा, बड़ा सम्स आएगा, इतना गारंटी है। 4 to 5 मार्क्स मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v। एक ही बात है, यूवी को आगे लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए लेंस की वजह से बी को आगे लिखा जाता है। वन बाय बी कितना है, 5। 1/10 माइनस 8। माइनस 8 ना, ये तो पता नहीं निकालना है, साइलेंट। प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस। टेक एलसीएम 10, 5 से 10 को डिवाइड करो जो आएगा ऊपर इनटू करो, 5 से 10 को डिवाइड करो कितना 2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे से नीचे को डिवाइड किया जो आया ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 ही होगा, 2 बन गया। अब तो 10 से 10 1, 1 1 जा 1। कैन आई रफ द डाउन पार्ट, यस सर, लिख लिया ना, लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ 1 जा एफ, 10 सेंटीमीटर। क्या है, पॉजिटिव आया ना आंसर, ओए आंसर क्या है, पॉजिटिव आया ना। देखो ये पॉजिटिव ही है, नेगेटिव आता तो डन।